पार्टी के सभी सम्मानित विधायक आदरणीय ओम कुमार जी, आदरणीय राजकुमार तराला जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, कविता मात्रे जी, अनूप वाल्मीकि जी, मुंशीलाल गौतम जी, त्रिभु बंसल जी, राकेश बजरंगी जी, निशांत सिसोदिया जी, ममता सेवतिया जी और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय संजय चौरसिया जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब का सौभाग्य है कि इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आज इस सम्मेलन में पधारे हैं। मैं पश्चिम क्षेत्र की इस धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं, उन्हें एक बार उनका अभिनंदन जोरदार ढंग से होना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश की हालत आपसे छिपी नहीं है, बोलना तो खुल के बोलिए, खुल के बोलो, उनके भी बोलना है तो जमीवाल में क्या बोलना है। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय विधायक ठाकुर श्री विजय पाल आरती जी को आदर आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे गाजियाबाद जिले के हमारे केंद्रीय मंत्री डी के चंदन साहब जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र जी, हमारे कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे भाई सभी मंत्रीगण, हमारे मेरठ ठाकुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी मेरे साथी उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक गण, सभी मेरे मंच पर मेरे अधिकारी, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे अनुशिक्षित मोर्चे के आज कार्यक्रम में आए हापुड़ जिले से भी और पूरे दूर दूर से भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, मैं सभी को प्रणाम और जय भीम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पीछे कांग्रेस ने भी 50 साल लगातार राज करा, मगर बाबा साहब को सम्मान कांग्रेस सरकार ने कभी भी नहीं दिया। जो सम्मान मिला वो भारतीय जनता पार्टी में मिला, जो बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम माननीय अटल जी की सरकार में देने का काम हुआ है। अगर जो मोर बातें करें तो 5 तीर्थ स्थल बनवाने का काम मोदी जी की योगी जी की सरकार में हुआ है, किसी और सरकार में कभी नहीं हुआ। पिछली समाजवादी सरकार की बातें करें तो समाजवादी की सरकार में सबसे ज्यादा अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पर अत्याचार हुए हैं। अगर जो समाजवादी सरकार में किसी भी अधिकारी को यह पता पड़ जाती थी अनुसूचित जाति का है तो उसकी पिटाई और भी ज्यादा होती थी। मैं जो आपको समझा रहा हूं, कह रहा हूं कि
नजदीक है तो सभी को कमल के फूल पर वोट देनी है। किसे देनी है? कमल के फूल को। और आपकी जिले में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा काम करवाया है। अगर तो मैं जिले के विकास की बातें करूं पूरी प्रदेश की तो माननीय मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे ही, मगर मैं आपको थोड़ी सी जिले की बातें बताना चाहता हूं। जो पहले 4-4, 5-5 लाख रुपए IFPCS कोचिंग सेंटर के लिए दिल्ली जाते थे, वो आज हापुड़ में IFPCS कोचिंग सेंटर खुल गया है। हमारे हापुड़ के अंदर 50 साल से कोई कॉलेज नहीं बना, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6.5 साल की सरकार में एक हमें सराई गांव में इंटर कॉलेज देने का काम करा, एक हिमायू सामंज में इंटर कॉलेज देने का काम करा, एक नवादा गांव में नवादा विद्यालय देने का काम करा और हापुड़ जसरूप नगर के अंदर आश्रम पद्धति का विद्यालय देने का काम करा और भीम नगर के अंदर प्राइमरी स्कूल देने का काम करा। कभी किसी और सरकार में इतना काम नहीं हुआ जितना मोदी जी या योगी जी की सरकार में हुआ है। और जिले के विकास के सड़कों की बातें करें तो मेरे विधानसभा में 85 गांव है। 85 गांव में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 गांव के अंदर 1-1 करोड़ रुपए का काम देने का काम करा है, 1-1 करोड़ रुपए का। इसी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निर्भर हापुड़ के विकास में निरंतर वृद्धि हो रही है। गति के इस रथ को गति प्रदान करने वाले माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री असीम अरुण जी मंच पर विराजमान है। सर सम्मान महोदय, आपको आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए।